सांख्य दर्शन की आठवीं कक्षा। पिछली कक्षा में तत्वों की परिगणना देखी हमने, मूल प्रकृति से कार्य जगत कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, इस प्रक्रिया को 61वें सूत्र में बताया गया। इस सूत्र के बारे में किन्हीं को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, पीछे दीजिए। रणजीत जी, दो तीन संख्याएं आचार्य जी। पहली तो है कि जैसे जीवात्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार से ये जो सत्व रजस और तम है, इनका भी साक्षात्कार होता है। इसको संप्रज्ञात समाधि में स्वीकार किया जाता है। संप्रज्ञात समाधि में इनका साक्षात्कार होता है। ये योग दर्शन के अनुसार प्रकृति मूल जो रहती है उसका साक्षात्कार होता है, ये स्वीकारते। और जो ये सृष्टि प्रक्रिया में जब महातत्व आदि से बनना आरंभ होते हैं, तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो ये जो हाथ पैर आदि हैं, ये गोलक कहलाते हैं या यही वो इंद्रियां हैं जो उस समय बनती हैं? जी, ये हाथ पैर आदि जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये गोलक हैं। इनके अंदर जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो मूल इंद्रियां हैं, जिनका यहाँ बनने का कथन किया। ये सूक्ष्म इंद्रियों के बनने का है, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में रहती है। कर्म इंद्रियों को भी सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं? जी हाँ, आगे जो 18 तत्व गिनाएंगे जी, तो सूक्ष्म शरीर में पांच कर्म इंद्रियां भी होते हैं, और महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश में पांच प्राण नाम से भी उनको कहा है। तो कर्म इंद्रियां पांच कह लीजिए या पांच प्राण कह लीजिए। तो हाथ पैर आदि तो गोलक है इनके। ठीक है जी। और एक बात, ये जैसे सत्व रजस और तम के जो कण हैं, जब साम्यावस्था में रहते हैं तो सारे जगह फैले रहते हैं ये जी, तो ये जहां तक ईश्वर है वहां तक है या केवल इनकी कुछ सीमाएं निश्चित करेंगे कि ये भी ईश्वर के जैसे ही उतने उतने स्थान पे ही है, जहां तक ईश्वर है वहां तक? नहीं, ईश्वर के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो वहां तक है, यानी कि सर्वव्यापक जैसे ईश्वर है उस प्रकार से ये भी है? नहीं, ऐसे नहीं, ये तो बहुत छोटे से क्षेत्र में रहेंगे ईश्वर की दृष्टि से। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि अथवा यत्र विश्वम भवत्ये कनीडम। ये तो एक घोंसले के समान है छोटा सा, ये जो कार्य जगत है, तो इसका जो कारण है वो यद्यपि बहुत है, विस्तृत है, आगे एक सूत्र आएगा भी, सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम। एक दृष्टि से मूल प्रकृति को विभू भी कहा है, लेकिन वो विभू यानी ईश्वर की तरह सर्वव्यापक नहीं। तो आगे भी एक सूत्र आएगा, उसमें अणु और आज ही आएगा अभी, कि अणु को ही हम कारण क्यों नहीं मान लेते, मूल प्रकृति को क्यों मानते हैं? तो अणु से ये सारी चीजें नहीं बन सकती, क्योंकि वो परिच्छिन्न है, एक देशी है। तो प्रकृति के जो ये कण हैं, ये हैं तो बहुत व्यापक, बहुत व्यापक हैं। अब कार्य द्रव्य जो अभी हम देख रहे हैं, इसका कोई और छोर हमें वैज्ञानिकों को कोई पता नहीं लगता है। हमारी दृष्टि से ये तो लोक लोकांतर भी अनंत ही जैसे हैं, और इनके जो कारण हैं मूल सत्व रजस्तम, वो भी इसी तरह से अधिक हैं, बहुत हैं। तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बहुत व्यापक हैं ये, लेकिन ईश्वर की तुलना इनके साथ नहीं की जा सकती। ईश्वर की दृष्टि से तो उसके ये एक छोटे से भाग में है। हो गया जी, धन्यवाद। पीछे दीजिए आचार्य जी। परिमाण और आकार में क्या अंतर होता है? एक रूप में ले सकते हैं वैसे हम लोग भाषा में जो प्रयोग करते हैं, लेकिन आकार शब्द रूप के साथ में जुड़ा हुआ है, रूप के साथ में।
जो रूपवान चीज होती है उसको हम कहते हैं ये आकार वाली है यानी साकार है, और परिमाण जो गुण है वो निराकार में भी होता है। जो साकार चीजें हैं जैसे कि पुस्तक, भवन, ये टेबल, ये घड़ी, जो भी चीजें हैं, इनका अपना परिमाण है। परिमाण का मतलब है परितः, चारों ओर से मापन, सब ओर से, यानी उसका जो घेरा है जहां उसकी सीमा समाप्त होती है। कोई भी चीज लेंगे, ये लेंगे तो इसका घेरा कहां तक है, तो इधर चलते चलते यहां समाप्त हो गया, ये इधर चलते चलते यहां समाप्त हो गया, इधर यहां समाप्त हुआ। ऐसे जो चारों तरफ उस वस्तु की समाप्ति होती है ये परिमाप कहलाता है, ठीक है। यानी उसका वस्तु का घेरा, उसका फैलाव, विस्तार कितना है। तो जो आकार वाली, रूप वाली वस्तुएं होती है उनका भी अपना घेराव होता है। अब मान लीजिए कोई ये आयताकार एक कोई ईंट है, तो हम जिसे कहते हैं इसका रूप जहां तक है वहीं तक ही तो उसका घेराव है। जहां उसका रूप दिखना समाप्त हो गया ईंट का, हम ये थोड़ा ना कहते हैं इसके आगे भी है, वहीं तक ही होती है वो। तो लोक में आकार और परिमाण, रूपवान चीजों का हम जो आकार कहते हैं और परिमाण, वो एक ही होता है, हमेशा भिन्न नहीं हो पाता है। इसलिए आकार और परिमाण को हम एक जैसा मानने लगते हैं। तो जहां आकार शब्द आया तो परिमाण को ले लेते हैं, परिमाण आया तो आकार को ले लेते हैं। लेकिन यहां शास्त्रीय दृष्टि से वैशेषिक में आकार नाम का गुण नहीं लिखा है, परिमाण नाम का गुण तो लिखा है। और आकार मतलब तो रूपवान चीजें, मुख्य अर्थ उसका ये लगेगा। तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं यानी रूपवान वस्तुएं हैं, उनमें आकार भी है और परिमाण भी है। परिमाण सब सब द्रव्यों में होता है, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें का परिमाण ना हो। तो साकार यानी रूपवान वस्तुओं का भी परिमाण होता है, लेकिन जो निराकार हैं, आकार रहित हैं, उनका भी परिमाण होता है। जैसे कि आत्मा का, उसका अणु परिमाण है, बहुत छोटा है, लेकिन वो आकार वाला नहीं है आत्मा। परिमाण है, उसका घेरा है, उसका फैलाव है निश्चित, लेकिन उसका रूप नहीं है, आकार नहीं है। इस दृष्टि से आकार और परिमाण को हम अलग अलग मान के चलते हैं। सामान्यतया पर्यायवाची रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर तत्वतः देखेंगे तो अलग मानते हैं। और परमात्मा का भी परिमाण माना जाता है, लेकिन वो विभू परिमाण है, उसकी सीमा नहीं है, उसका विभुत्व ही एक परिमाण है। तो अणु परिमाण सबसे छोटा यानी बहुत छोटा, विभू परिमाण और बीच में मध्यम परिमाण, तीन विभाग किए हैं। आगे चर्चा आएगी इसकी, वैशेषिक में आती है वैसे ये चर्चा। हाँ, तो क्या ईश्वर अपना परिमाण जानता है कि उसका परिमाण कितना है? विभू परिमाण, विभू परिमाण जानता है वो, सर्वव्यापक है इस बात को जानता है वो। एक और प्रश्न, लेकिन उसके साथ आप ये मत जोड़ लेना कि वो अपनी सीमा जानता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो अपनी सीमा जानता है, सीमा है ही नहीं तो कहां से जानेगा। जैसा है वैसा जानता है, तो वो अपने विभू परिमाण को अच्छी प्रकार जानता है। जी, एक और प्रश्न है, क्या हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से ये बता सकते हैं देख के उसको कि ये जीवन मुक्त है या नहीं? क्योंकि ये प्रसंग से बाहर की बात है। अभी दर्शन का पूछिए, वो शंका समाधान में लीजिएगा, वो शाम का विषय है, लिख के दे दीजिए। अभी दर्शन की, और मुख्य रूप से ये जो हमने कल अभी पिछली कक्षा में जो सूत्र पढ़ा 61वां, इसमें प्रकृति और इससे संबंधित चर्चाएं चली थी, इसमें कुछ किसी को अस्पष्टता हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते हर जी, अभी जैसे आपने कहा कि घेरा होता है आत्मा का, तो इसे किस तरह से समझें? जैसे महर्षि ने तो कहा कि उसमें कोई आकार नहीं है, आप भी यही कह रहे हैं कि आकार नहीं है, वरना तो भीड़ भाड़ हो जाती एक जगह, ऐसा भी लिखा उन्होंने कि मुक्ति के स्थान पर अगर बहुत सारी आत्माएं पहुंच जाती और अगर ऐसा कुछ होता तो भीड़ भाड़ हो जाती, तो आकार नहीं है, पर ये घेरा फिर किस तरह से हम समझेंगे, ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। घेरे का मतलब है उसका फैलाव। आत्मा एक द्रव्य है, एक सत्तात्मक पदार्थ है, सत्ता है उसकी, अस्तित्व है, वो सत है, उसमें चेतनता है। तो आत्मा नाम का द्रव्य
उसकी चेतनता जहां तक है वहां तक उसका घेरा माना जाएगा, उसकी परिधि है, सीमा है, घेरा है, ऐसा मानना ही होगा कि एक जगह ऐसी आएगी जहां हम ये कह सकते हैं कि अब इससे आगे आत्मा नहीं है। जितनी भी एक देशी वस्तुएं हैं उन सब पे ये बात लागू होगी। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं परिच्छिन्न, परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मतलब एक जगह ऐसी आती है जहां हम कह सकते हैं अब इससे आगे नहीं है, इतना ही है, यहीं तक ही है, इससे आगे नहीं है। तो आत्मा का भी फैलाव है, आत्मा के जो गुण हैं, जैसे कि चेतना ज्ञान हो गया, आत्मा जो सुख दुख अनुभव करता है तो जितने भाग में सुख दुख अनुभव करता है उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां आप नहीं कह सकते कि सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो एकदेशी वस्तु का तो घेराव मानना ही होता है। अब आकार को चूंकि आप अभी भी घोलमेल कर रही हैं इसलिए उसके साथ थोड़ी समस्या होगी। आकार मतलब तो रूपवान, अब अलग कर दीजिए आकार को। हाँ, आप परिमाण को ही आकार शब्द से समझ रही हैं, बोल रही हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब उस अर्थ में आप परिमाण अर्थ में आकार को लेंगी और मैं कहूं कि परिमाण होता है आकार होता है तो मैं हां करूं, तो यूं मत कह देना कि वो आत्मा तो फिर साकार हो गया यानी रूपवान हो गया, क्योंकि अब आकार शब्द का प्रयोग आप परिमाण के अर्थ में करेंगी, रूपवान अर्थ में नहीं। ठीक है, जैसे हम साकार के पूजक कहते हैं, निराकार के पूजक कहते हैं, वहां क्या मतलब होता है? रूपवान के पूजक और बिना रूप वाले के पूजक। इंद्रियों से ग्राह्य है वो साकार है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है वो निराकार है, वो परमात्मा की दृष्टि से। और आत्मा का घेरा क्या है, क्या होना चाहिए, उसके लिए वैशेषिक का एक सूत्र हमें बताता है, का नित्यम परिमंडलम। वैशेषिक दर्शन का सूत्र है ये, नित्यम परिमंडलम, जो नित्य वस्तुएं होती हैं, नित्य और एकदेशी साथ में जोड़ेंगे, उनका आकार कैसा होता है यानी परिमाण कैसा होता है, परिमंडल, परितः चारों ओर से मंडल यानी गोलाकार होता है, परिमंडल होता है। तो आत्मा का भी जो परिमाण है, घेराव है, या आज की भाषा में कहते हैं जैसे ये त्रिकोणाकार है, ये आयताकार है, ये वर्गाकार है, ये गोलाकार है, ये लंबाकार है, ये जो आकार नाम से कहा जाता है, अगर उस आकार शब्द का मैं प्रयोग करूं तो गोलाकार है, परिमंडल उसका है। जितनी भी नित्य वस्तुएं, ये सत्वर स्तंभ भी जो नित्य है, ये किस रूप में है, तिकोने हैं, षटकोण हैं, क्या हैं, आयताकार क्यूब हैं, क्या हैं, तो गोल हैं, ये कंची की तरह, जैसे कंची गोल होती है। नित्य वस्तुओं का सबका जो भी नित्य होगी वो गोलाकार ही होगी, परिमंडल आकारी होगा, ये सिद्धांत दिया वैशेषिक काल ने। और आज के विज्ञान की दृष्टि से वो सीधे सीधे पुष्ट नहीं होता, लेकिन एक दृष्टि हमारे को उससे भी मिलती है कि संसार में जितनी आकार हैं, त्रिकोणाकार, षटकोण आदि, इन आकारों में सबसे स्थिर आकार कौन सा है, पढ़ाते हैं गणित में और इसमें भौतिक में, तो गोलाकार को सबसे स्थिर आकार बोलते हैं। एक वस्तु त्रिकोणाकार हो, एक गोलाकार हो, और उनको समान स्थितियों में रखा जाए तो कौन सी अधिक देर चलेगी, गोलाकार अधिक चलेगी, यानी गोलाकार में स्थायित्व अधिक है, उस स्थिर है। पृथ्वी भी गोल की जगह, ये सारे लोक लोकांतर गोल की जगह कुछ और आकार के होते, तिकोने षटकोण होते, तो इनका स्थायित्व कम होता। तो ये जो गोल आकार है कंची जैसा, वो अधिक स्थायी होता है। अब इस मेरे इस अधिक स्थायी से ये अर्थ नहीं लेना कि आत्मा भी अधिक देर रहता है, यानी नष्ट तो फिर भी कभी कभी होगा, ये मेरा तात्पर्य नहीं। मैं तो केवल एक संकेत दे रहा हूं उधर की तरफ से। ये तो नित्य है, नित्यम परिमंडलम, नित्य चीज परिमंडल ही होगी। आजकल जो मूल कण की खोज की जा रही है, उस सर्न एक नाम की प्रयोगशाला जिसमें संसार के सभी देशों के, अनेक देशों के वैज्ञानिक हैं, सैकड़ों या हजारों होंगे, एक देश चला नहीं सकता, इतने देश पैसा लगा रहे हैं, जिसमें अभी आपने दूरदर्शन आदि पे सुना होगा वो गॉड पार्टिकल,
हिग्स बोसोन, वो सारी प्रयोगशाला किस लिए है, क्या जानने के लिए है? कि मूल कण क्या है, वहां से और कुछ नहीं निकलने वाला है, क्या खोज है इसका, ये जो मैटर है पदार्थ है इसका मूल कण कौन सा है, सबसे छोटा कण क्या है, उसको गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं या हिग्स बोसोन नाम दे दिया, जो भी कहें। अर्थात आज का वैज्ञानिक भी, कोई भी बुद्धिमान हो, इस सृष्टि का मूल है क्या, खोज जारी है। अब उन्होंने जो खोजा है वो मूल है या नहीं है, ये फिर आगे का विचार है। एक समय में परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता था, और फिर उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, फिर और उसके छोटे भाग हो गए। अब जैसे जैसे खोज चलती जाती है, पीछे पीछे आखिर में कहां पहुंचेंगे ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मूल कण को जाने। यहां इन्होंने जो बात रखी है, सत्वर स्तंभ को ये मूल कण मानते हैं, इस सृष्टि के कार्य जगत के, मैटर के, पदार्थ के। वो एक नहीं है, ये तीन है, अलग अलग तरह के कण है, इनका ये निष्कर्ष है। वेदों से जाना होगा, ईश्वर से जाना होगा, प्रयोग किए होंगे, जैसे भी किया, इनका सिद्धांत है तीन कण है, एक कण नहीं है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो उन्होंने कण खोजा है, जिसकी परिकल्पना की कि उसको टकराते हैं आपस में, बहुत तीव्र गति से इनको सूक्ष्म कणों को बौछार करते हैं, एक दूसरे कण होते हैं, बिखरते हैं, और उसमें कहीं वो कण दिखता है, उनको पता लगता है, यानी दिखता है क्या, उसकी उसका अनुमान करते हैं वो। सीधे सीधे तो एटम भी नहीं दिखता है आंखों से, तो सब सारा अनुमान होता है, वो उससे जान करते हैं, अनुमान प्रमाण से करते हैं, अस्तित्व को जानते हैं। तो उस छोटे कण का क्या आकार, परिमाण कौन सा, तिकोना, आयताकार, कुछ बोला उन्होंने कभी, सुना? और आएगा भी तो परिमंडल ही आएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या आकार सुना है, तिकोना या गोलाकार, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का? आप सूक्ष्मता में चले जाइए, क्या मिलेगा? और जो बिल्कुल सूक्ष्मता में चले जाएंगे, नित्यम परिमंडलम, एक व्यापक सिद्धांत दे दिया उन्होंने। तो आत्मा भी नित्य पदार्थ है और उसमें परिमाण है, उसका घेरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई है, यहां से यहां तक वो है, कितना भी छोटा हम नाप नहीं सकते, लेकिन उसका घेरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई है। जैसे हम किसी फुटबॉल की गेंद को या कंची को, कांच की, कह सकते हैं कि इतना यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, इसके आगे नहीं है, इससे ऊपर नहीं है, इससे नीचे नहीं है, इससे बगल में नहीं है, इत्यादि जो हम कह सकते हैं, ऐसा का ऐसा आत्मा के बारे में भी कह सकते हैं। निश्चित परिमाण है उसका, वो बहुत छोटा है, उसको समझने के लिए अणु परिमाण कहा जाता है। हाँ, और कुछ? क्या समाधि में जाकर उसका परिमाण का पता चल पाता है? अभी तक किसी ने बताया तो नहीं है। ये तो है कि अणु परिमाण पता लग जाता है, लेकिन ये आकार है, ऐसा है, ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं। एक प्रश्न ये भी मन में उठ रहा है कि जिस तरह से मन को बताया कि सत रजतम से बने हैं, और रज की इसमें प्रधानता है, सत्व की मन में सत्व की, पर इसका क्रियावान जो है ये रज की वजह से है। रज की भी प्रधानता है, लेकिन सत्व की सबसे अधिक प्रधानता है। मन में सत्व गुण की अधिक प्रकार प्रधानता है, उसके बाद में रजोगुण भी काफी है, क्योंकि ये उभय इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेन्द्रियों का कार्य भी संभालता है और कर्मेंद्रियों का भी, क्रिया भी बहुत तीव्र है दोनों की अधिकता, लेकिन दोनों की तुलना में देखें तो सत्व गुण की अधिकता है इसमें, तमोगुण सबसे कम है इसमें। जी धन्यवाद। अन्य कोई पूछ? आचार्य जी, आपने पहली बैठक में कहा कि मन का जो गोलक है, जैसे बाह्य इंद्रियां हैं और ये आंतरिक जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका गोलक तो दिखाई देता है, लेकिन मन का तो कोई गोलक दिखाई नहीं देता बाहर से हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये अभ्यंतर इंद्रिय है। ये जो जिनके गोलक हमें दिखाई देते हैं वो बाह्य पांच ज्ञानेन्द्रियां, बाह्य पांच कर्मेंद्रियां, बाह्य इंद्रियां, इनके गोलक भी बाहर हैं। और ये मन बुद्धि अहंकार तीनों अंतःकरण है, अभ्यंतर इंद्रिय, इनके गोलक भी अंदर हैं। वैसे मृत्यु के बाद में जब वहां कपाल क्रिया करते हैं
ठुका मारते हैं उसमें, अंदर से निकल के आता है, और नहीं तो मेडिकल कॉलेज में कहीं जहाँ डिसेक्शन होता है वहां जाके देख सकते हैं अंदर है वो गोल। नहीं तो चित्र वगैरह सब मिलते ही हैं, बहुत स्पष्ट है, इंटरनेट पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो 61वें सूत्र में जो इन्होंने क्रम बताया, इससे संबंधित ही कुछ और बातें अगले कई सूत्रों में चलेंगी, उसी का थोड़ा विचार विमर्श होगा, थोड़ा क्रम से नीचे, निचले क्रम से ऊपर के क्रम से इन्हीं को थोड़ा सा दोहराया जाएगा। 61वें सूत्र में मूल प्रकृति से कार्य जगत कैसे कैसे बना, ये ऊपर से नीचे की प्रक्रिया थी। अभी जो आगे के सूत्र आ रहे हैं इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। सूत्र में कैसा था, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चीजों को बता रहे थे, कारण से कार्य की ओर। अब अगले कुछ सूत्रों में कार्य से कारण की तरफ वर्णन कर रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ वर्णन कर रहे हैं। तो 62वां सूत्र बोलिए, स्थूलात पंच तन्मात्रस्य। स्थूलात मतलब स्थूल भूतात, स्थूल भूतों से, स्थूल से। पंच तन्मात्रस्य, पांच तन्मात्राओं का अनुमान किया जाता है, ये अनुमान की प्रक्रिया। पीछे से पीछे देखिए, 60वें सूत्र में इन्होंने बात रखी थी, अचाक्षुषाणम अनुमानेन बोधो। जो अचाक्षुष है, सीधे सीधे हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनका अनुमान से हम बोध करते हैं, अनुमान प्रमाण से प्रयोग करते हैं। तो जिनको इनका प्रत्यक्ष है उनके लिए तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन जिनका प्रत्यक्ष नहीं है वो कैसे अनुमान करते हैं, उसी तरह से सोचते हैं, उसको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है। तो पांच स्थूल भूतों से ही पांच तन्मात्राओं का हम ज्ञान करते हैं कि ये भूत जिनसे बने हैं वो ऐसे ऐसे गुण वाले होंगे, उन पांच तन्मात्राओं का अनुमान करते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए। अगला सूत्र 63वां बोलेंगे, बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य। बाह्य और आभ्यंतर के द्वारा इंद्रियों का प्रसंग है, जैसे कि पिछले सूत्र में था उभयम इंद्रियम, वो उभय क्या है, तो यहां बाह्य और आभ्यंतर शब्द दिया। तो बाह्य 10 इंद्रियां और आभ्यंतर एक मन, बाकी दो भी हैं लेकिन यहां नहीं ग्रहण है उसका, यही 11 का, इन 11 से। और तैश्य उनके द्वारा, उनके किन के द्वारा, तो 62वें सूत्र में पंच तन्मात्र से लिखा हुआ था अंत में, तो उन पंच तन्मात्राओं के द्वारा किसका अनुमान करेंगे, इनके कारण अहंकार का। अहंकार से ही ये बाह्य आभ्यंतर इंद्रियां 11 इंद्रियां बनी, और अहंकार से ही पांच तन्मात्राएं बनी। तो अब उल्टा करते समय 11 इंद्रियों से और पांच तन्मात्राओं से अहंकार का बोध होता है, अहंकार का अनुमान करते हैं। तो बाह्याभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य, उसका बोध अनुमान करना चाहिए, करते हैं। तो जो मैं पीछे संकेत कर रहा था उभयम इंद्रियम 61वें सूत्र में, तो वहां पर बाह्य और आभ्यंतर इंद्रिय क्यों लेते हैं, तो इस सूत्र के अंदर बाह्याभ्यंतराभ्याम लिखा है, अहंकार से उसका संबंध है, वहां भी अहंकार से उत्पन्न होने वाली चीजें बताई जा रही हैं, इसलिए वहां भी यही अर्थ लेते हैं उभय का। अगला सूत्र बोलिए, तेना अंतःकरणस्य। तेना उसके द्वारा, किसी एक को कह रहे हैं, वो एक कौन है, जो पिछले सूत्र में अहंकार को कहा गया था, उस अहंकार से किसका अनुमान करेंगे, तो अहंकार से पीछे वाला तत्व कौन है, मह तत्व बुद्धि तत्व, ये है अहंकार से ऊपर वाला, अहंकार का भी जो कारण है। तो तेना उस अहंकार के द्वारा अंतःकरण से, अंतःकरण का, अब ये अंतःकरण शब्द बुद्धि के लिए आया है। वैसे अंतःकरण में तीनों चीजें आती हैं, मन बुद्धि और अहंकार, तीनों को हम सामान्य रूप से अंतःकरण कहते हैं, और चौथी चीज जोड़ देते हैं अंतःकरण चतुष्टय है, तो चित्त भी साथ में जोड़ देते हैं। तो तीन अंतःकरण हैं, ये तो ये शास्त्र भी मानता है, लेकिन यहां अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान होता है ये कथन किया, तो यहां अंतःकरण शब्द से किसका ग्रहण होगा, तो केवल बुद्धि का, क्योंकि तेन शब्द भी लिखा हुआ है, तेन से अहंकार आ ही चुका है, तो
तो जब तीन में अहंकार आ गया तो अब अंतःकरण में अहंकार का ग्रहण नहीं करेंगे, वह तो अलग हो ही चुका। और इसी तरह से बाह्याभ्यंतर अभ्याम में अभ्यंतर इंद्रिय से मन का ग्रहण कर चुके हैं, तो अब अंतःकरण में अंतःकरण शब्द से मन का भी ग्रहण नहीं करेंगे। यद्यपि अंतःकरण से शब्द से तीनों का ग्रहण होता है, लेकिन यहां अब अंतःकरण शब्द से तीनों का ग्रहण नहीं होगा, केवल एक का जो बचा हुआ है यानी बुद्धि उसी का ग्रहण होगा। ये भाषा का प्रयोग है, इसे समझ के चलना होता है। संस्कृत भाषा में ऐसा बहुत होता है, हिंदी में भी होता है और भाषाओं में भी होता है। अब इस सूत्र को पकड़ करके कोई आगे पीछे संगति तो देखे नहीं और बोले कि यहां लिखा है तेन अंतःकरणस्य, तो अंतःकरण का मतलब या अंतःकरण के जो अर्थ लिए जाते हैं तीनों उसका ग्रहण करेंगे, तो फिर संगति नहीं लगेगी। इसको संस्कृत भाषा में एक न्याय से समझते हैं, ऐसा बहुत जगह होता रहता है, इसके लिए बोलते हैं गो बलिवर्द न्याय। एक न्याय है, युक्ति है अर्थ निकालने की। गो कहते हैं गाय को और बलिवर्द कहते हैं बैल को या सांड को, बलिवर्द। अच्छा, गो शब्द से जब हम कहते हैं कि गाय का पालन करो, गौ का पालन करो, तो स्त्री गौ का ही पालन करते हैं या तो पुरुष गौ का भी? दोनों का करते हैं। गो शब्द का क्या मतलब है? केवल स्त्री गाय थोड़ा ना है, स्त्री गाय पुरुष गाय दोनों का ग्रहण है, गौ जाति तो एक ही है, दोनों ग्रहण होता है ना गौ शब्द से। लेकिन जब गो बलिवर्द दोनों शब्द साथ में हो, तो बलिवर्द जब बैल को या सांड को अलग से कह दिया, तो अब गौ शब्द का अर्थ क्या होगा? केवल स्त्री गौ ही लिया जाएगा, जबकि गौ शब्द के दोनों अर्थ आते हैं। लेकिन अब यहां पर चूंकि कह दिया गया बलिवर्द, इसलिए गाय शब्द का मैं जो बलिवर्द अर्थ छुपा हुआ था वो अब नहीं लेंगे यहां पर। दिन कितने घंटे का होता है बाप? कोई 24 का कह रहा है, कोई 12 का कह रहा है। तो जब 24 घंटे का दिन होता है, बोले कितने दिन का शिविर है? 37 दिन का शिविर है, तब तो 24 घंटे ही लेंगे। इस दिन शब्द में दिन और रात दोनों का ग्रहण है, लेकिन अगर कोई दिन और रात दोनों शब्दों का प्रयोग करे, कहीं हम करते भी हैं, तो अब दिन शब्द का क्या अर्थ लेंगे? 24 घंटे वाला या 12 घंटे वाला, प्रकाश वाला? क्योंकि दिन शब्द में जो रात थी वो रात अलग से कह दी गई है, तो अब दिन शब्द से रात का ग्रहण नहीं करेंगे। अब यहां क्या, इसी गोबली वर्धनिया के हम लोग में सब प्रयोग करते हैं, समझते हैं, और हमारे को भाषा आती है, इसलिए हमारे को कोई भ्रांति भी नहीं होती कि यहां दिन शब्द का मतलब 24 घंटे वाला लें या 12 घंटे वाला लें, हमें पता लगता है गोबली वर्धनिया। बस ऐसे ही यहां पर अंतःकरण शब्द आया, अंतःकरण में तीनों आते हैं मन बुद्धि और अहंकार, लेकिन मन का वर्णन पहले आ चुका, अहंकार का आप कह रहे हैं कि अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान होगा, यानी अहंकार भिन्न है और ये अंतःकरण भिन्न है, तो अहंकार को भी अलग कर दिया, तो बचा कौन सा? बुद्धि ही बचा। तो अब यहां अंतःकरण शब्द का अर्थ क्या लेंगे? बुद्धि। शास्त्र को समझने की शैली है कि यहां वक्ता का तात्पर्य क्या है, शब्द को पकड़ के बैठेंगे तो बहुत असंगतियां लगती रहेंगी, समाधान नहीं होगा। अंतःकरण मतलब बुद्धि, तो बुद्धि को अंतःकरण नाम से क्यों कह दिया गया यहां पर? बताने के लिए, ये मह तत्व है, ये बुद्धि तत्व है, ये अंतःकरण है हमारा। ऊपर तो नहीं कहा था ना, ऊपर तो कहा था प्रकृतेर महान, प्रकृति से मह तत्व उत्पन्न होता है, वो मह तत्व कुछ और है, पता नहीं क्या होगा महान तत्व, उसी को अंतःकरण शब्द से कहा कि ये हमारा अंतःकरण भी बनता है, हमारे अंतःकरण में ये विद्यमान है, इसलिए अंतःकरण शब्द भी प्रयोग किया गया। और बुद्धि को अंतःकरण शब्द से क्यों कहा, उसमें एक हेतु और है, आगे चर्चा आएगी कि इस अंतःकरण में या इंद्रियों में सबसे बलवान और प्रधान इंद्रिय कौन सी है, आगे प्रसंग आएगा। तो बुद्धि कह रहे हैं कुछ,
मैं कोई मन कह रहे हैं, तो वह प्रसंग में बात चलती है। तो वहां उन्होंने मन को पहले बताया, मन की विशेषता और बाकी सब इंद्रियों से मन की विशेषता, और मन से भी बढ़ के बुद्धि की विशेषता बताई। तो अंतःकरणों में सबसे प्रमुख अंतःकरण कौन सा है? बुद्धि है। जो प्रधान होता है उसको अंतःकरण नाम से कह दिया, ये भी एक संगति है। तो तेन अंतःकरणस्य, अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान हम कर सकते हैं, उसका अनुमान करते हैं। अगला सूत्र 65वां बोलेंगे, ततः प्रकृतेः। ततः मतलब उससे, उससे किससे? उस अंतःकरण से, उस बुद्धि तत्व से। प्रकृतेः प्रकृति का अनुमान कर लेते हैं। तो ये स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की प्रक्रिया जो 61वें सूत्र में बताई थी, सूक्ष्म से स्थूल, इन्होंने विपरीत करते हुए इसको संकेत रूप में उन्हीं सूत्रों, उसी बात को भिन्न रूप से इन सूत्रों में बताया गया। ये 24 तत्वों के बारे में हुआ। और 25वां तत्व जो पुरुष था, आत्मा, उसका अनुमान कैसे होता है? तो उसका भी अगला सूत्र है, देखिए 66वां सूत्र बोलेंगे, संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य। पुरुषस्य अनुमानम्, पुरुष का अनुमान होता है कैसे? कि जो संघत होती हैं, संघत का मतलब है जो जुड़ करके मिल करके बनती हैं, संघात होता है, संघत मतलब जो संघात होता है, पत्थर है, अनेक मिट्टी के कणों का संघात है, ईंट है, मिट्टी के कणों का संघात है, लकड़ी है, पेड़ है, वो भी अनेक चीजों का, अनेक तत्वों का संघात है, ये हमारा शरीर है, ये अनेक चीजों का संघात है। तो जो जो संघात वाली चीज होती है, उसके परार्थ होने के लिए, पर मतलब दूसरे के, अर्थ मतलब प्रयोजन के लिए, परार्थ का मतलब दूसरे के प्रयोजन के लिए, जो संघत वस्तु हमेशा दूसरे के लिए होती है, ठीक है, वो दूसरा कौन है? वो दूसरा कौन है? वो दूसरा ये पुरुष है, ये ज्ञान होता है। कि पेड़ पौधे हैं, ये संघत हैं, ये किसी दूसरे के लिए हैं। ये मकान संघत है, ये किसी दूसरे के लिए है। ये भोजन आदि हैं, ये अन्न आदि फल आदि, ये संघत हैं, दूसरे के लिए। ये शरीर आदि हैं, ये संघत हैं, किसी दूसरे के लिए। वो दूसरा कोई होना तो चाहिए, वो कौन है? जितनी भी संघत चीजें हैं, मिल करके बनी है, वो हमेशा दूसरे के लिए होती है। ये एक सिद्धांत है इनका, बड़ा योग दर्शन में भी आता है। आप कोई ऐसी चीज बताइए आपकी कल्पना में आती हो जो संघत तो हो, अनेक अवयवों से मिलके बनी हो और वो अपने लिए हो, कोई चीज अनेक घटकों से मिलके बनी हो और वो अपने लिए हो, दूसरे के लिए ना हो, ऐसी कोई चीज बताएं? जूते चप्पल संगत है दूसरे के लिए, गद्दा संगत है दूसरे के लिए, पंखा संगत है दूसरे के लिए, वस्त्र जिनको हम पहनते हैं संगत है दूसरे के लिए, हम कह सकते हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है, शरीर के लिए, हम शरीर भी संगत है, वो भी किसी और के लिए। जितनी भी संगत चीजें हैं वो दूसरे के लिए होती है। तो दूसरा कोई होना तो चाहिए, और वो कौन होगा जो संगत नहीं है? तो संगत परार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, इससे पुरुषस्य, पुरुष का, आत्मा का अनुमान होता है। कोई चेतन तो और होना चाहिए जिसके लिए ये सारी की सारी चीजें, एक अनुमान की प्रक्रिया है। वैसे अन्य चीजों से भी हम पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते ही हैं, पीछे भी चर्चा आई, हमको स्मृति होती है, प्रतिभिज्ञा होती है कि मैं ही वह हूं, तो कोई नित्य तत्व है वहां पर, अनुभव करने वाला तत्व है, लेकिन इससे भी उसका अनुमान होता है, संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य। ठीक है, यहां तक के सूत्रों में किसी को कुछ पूछना है? लीजिए। अन्य कोई? आचार्य जी, आत्मा का कोई लिंग तो नहीं है? नहीं है। फिर उसको पुरुष नाम से क्यों कहा जाता है? क्या वो पुरुष शब्द से आपको विशेष बात है? स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष शब्द है। देखिए, पुरुष शब्द का अर्थ पुरी शरीरे शेते इति पुरुषः। पुरी में जो शयन करता है
उसको पुरुष कहते हैं। तो आत्मा ये अयोध्या नगरी पूरी है ना, देवानाम पुर अयोध्या, अयोध्या नगरी है हमारी, ये भी विभिन्न द्वार हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, इसमें जो रहता है, इसलिए वो चेतन आत्मा को पुरुष कहते हैं और परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरी ब्रह्मांड है इसमें वो शयन कर रहा है, विद्यमान है, इसलिए भी उसको पुरुष कहते हैं। इस पुरुष का मतलब वो पुरुष नहीं है जो ये मनुष्य है, जो प्राणी है, एक मूर्ख प्राणी, ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मूर्ख होते हैं, वो नहीं है यहाँ पुरुष का मतलब, यहाँ चेतन तत्व। तो चारे जी, आत्मा का शरीर में कोई स्थान भी है या स्थान बदलती रहती है? ये भी सीधा प्रसंग नहीं है यहाँ का, इसको शंका समाधान में पूछिए, पीछे शक्ति नंदन जी। ओम आचार्य जी, आचार्य जी 61वें सूत्र में और 63वें सूत्र में दोनों जगह तन्मात्र जो है बहुवचन में पढ़ा हुआ है, तो 62वें सूत्र में तो स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य एक वचन पढ़ा हुआ है, जाति में समूह रूप में ले सकते हैं उसको जी, ये तो कोई बात नहीं, आप संस्कृत जानते ही हैं, इतना तो होता है, भाषा का प्रयोग है, कुछ विशेष इससे मतलब विशेष नहीं, इससे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ एक वचन कहा है तो वो एक ही होंगी। अब देखिए पंच तन्मात्रस्य, पंच शब्द आ चुका है जी, तो पंच पांच को बता रहा है, बहुत्व को बता रहा है, अब उसके पीछे चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो उससे कोई अंतर नहीं है, पंच शब्द साक्षात शब्द कह रहा है, तो जो विभक्ति आ रही है वो भले ही एक वचन की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो जो हिंदी नहीं जानते कई बार बोलते तो बोले पांच जना आया है, ऐसा ऐसा बोल दिया तो आपको अपने को समझ में नहीं आएगा क्या, पांच बोल दिया तो हमारे को बहुवचन का पता लग गया, अब वो वाक्य में बहुवचन बोले या ना बोले कोई बात नहीं है, तो संस्कृत में ऐसा बहुत जगह होता है। और कोई पूछिए, मूल प्रकृति से महत्व तो बनता है, वो एक बनता है या बहुत सारे बनते हैं एक जैसे? महत्व के भी कण होंगे बहुत सारे, वो कोई एक ही पिंड बनेगा ऐसा नहीं, यानी जैसे कि सत्वरस्तम बहुत सारे कण थे उनसे मिलके बहुत सारे महत्व का एक जो कण बनेगा, एक मूल इकाई तत्व बनेगा, वो भी बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा वो। ऐसे ही अहंकार को लेंगे? ऐसा ही अहंकार को भी लेंगे, वो कोई एक ही एक रूप नहीं, वो भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं, तभी तो उनसे इतनी सारी चीजें बनती हैं अलग अलग, छोटे 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 बहुत कण होते हैं और उससे बहुत सारी चीजें बनेंगे। हाँ बोलिए आचार्य जी, ये शरीर संघात है तो मुझे आत्मा के लिए है, लेकिन शरीर और आत्मा का संघात होगा ये किसके लिए है? शरीर और आत्मा का संघात माना ही नहीं जाता है, ये आगे एक बात आती है, इसमें प्रसंग आता है कि आत्मा यानी चेतन तत्व को कभी भी ये उपादान कारण नहीं मानते। उपादान कारण जो कल चर्चा चल रही ना, जो नई चीज के बनने में आधारभूत बनता है, आत्मा तो बस इसमें बैठा है। आप अगर उस दृष्टि से देख रहे हैं या जैसा आप देख भी लेते हैं कि भाई ये शरीर क्या है, तो इसमें पांच महाभूत हैं, इंद्रियां हैं और आत्मा को भी साथ में जोड़ते हैं, तो इस शरीर के बनने में आत्मा सहायक नहीं है, वैसा उपादान के रूप में नहीं है, उपादान के रूप में तो जड़ प्रकृति ही है, आत्मा तो बस वहां स्वामी के रूप में बैठा है अंदर, इतना ही है। इसलिए इससे जो ये संघात बना है वो नहीं, उसको वो किसी और के लिए नहीं। आगे देखिए, ये जो आपने कहा कि आत्मा को हम उपादान कारण में नहीं लेते, तो फिर शरीर कैसे, उसका प्रयोजन कैसे होगा, मतलब सिद्ध? अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या प्रयोजन? नहीं, आत्मा नहीं है ऐसा थोड़ा ना कहा है, तो फिर संघात क्यों नहीं? बात सुनो, संघात का मतलब अनेक चीजें मिलकर के जो बना है, ठीक है, ये शरीर बना है, ये जड़ पदार्थों के मिलने से बना है, यहां तक ठीक है, अब इसमें आत्मा भी है। अच्छा, ये मकान बना हुआ है, इस मकान में हम भी रहते हैं, ठीक है, तो ये मकान बना हुआ है तो उसमें हम भी सम्मिलित हैं या नहीं है? तो मकान में आप दीवारें, छत, उसके साथ साथ अपने
कुर्सियां, मेज, फर्नीचर और ये सब चीजें भी जोड़ के मकान बोलते हैं। हम भी तो अंदर बैठे हैं, लेकिन हम इसके उपादान कारण नहीं कहलाते, हम अंदर रह रहे हैं इसमें, इस सब बना हुआ है। इसी तरह से ये शरीर स्थूल पदार्थों से, जड़ पदार्थों से बना है, आत्मा भी इसमें मिले मिलकर के ये नहीं बना हुआ है शरीर, ऐसा नहीं सोचना है। आत्मा तो अलग से बैठा हुआ है बस, इसलिए ये इस शरीर का उपादान कारण नहीं है, आत्मा को उपादान कारण नहीं माना जाता। पर अगर आत्मा ना होता तो फिर शरीर तो बनता ही नहीं, मतलब तो ऐसा ऐसा कोई ये थोड़ा ना प्रतिपादन किया जा रहा है कि आत्मा है नहीं यहां पर, ऐसा कहते तो आप ये प्रश्न करते, आत्मा तो है, स्वीकार कर रहे हैं ना, आत्मा के लिए ही ये बना है, आत्मा का ही, आत्मा के ही भोग के लिए है, आत्मा के लिए ही कार्य कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रश्न अलग है कि आत्मा और शरीर मिलके कोई संघात बना तो ये संघात है तो ये किसके लिए है, ये इनका प्रश्न था। तो आत्मा उस संघात में नहीं गिना जाता है, चेतन तत्व कभी उपादान नहीं बनता, ये सिद्धांत है, आगे आएगी बात ये। तो यहां तक बात हुई हमारी 66वें सूत्र तक। अब जो 61वें सूत्र में या तो 65वें सूत्र में प्रकृति को सबसे मूल में माना गया, इसको मूल प्रकृति कहते हैं, आदि सबसे पहले, क्योंकि इसका भी तो मूल हो सकता है कोई, जब और सब चीजों का मूल है तो उसका भी तो कोई ना कोई मूल होगा। हम कहते हैं ये उससे बना, ठीक है, वो इससे बना, ठीक है, वो इससे बना, तो ये जो मूल प्रकृति है ये भी तो किसी से बनी होगी। जैसे कई जने ईश्वर के बारे में भी कहते हैं, अच्छा इस सृष्टि को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, अपने आप कोई चीज नहीं बनती, तो कहते हैं कि फिर ईश्वर को भी तो किसी ने बनाया होगा, ईश्वर को किसने बनाया, ये प्रश्न आता ही है प्राय, नए लोग बहुत करते हैं इस प्रश्न को। तो ऐसे ही ये जो मूल प्रकृति है इसका भी तो कोई ना कोई मूल होगा, ये एक प्रश्न उठ सकता है। तो उसका स्पष्टीकरण अगले सूत्र में कर रहे हैं, 67वां सूत्र, बोलिए। मूले मूल अभावात अमूलम मूलम। देखो कैसा सूत्र बना है, मूल 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 शब्द कितनी बार आया, मूले मूल में सप्तमी विभक्ति, मूल मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति में मूल अभावात, मूल का अभाव होता है, मूल प्रकृति में मूल का अभाव होता है, यानी मूल प्रकृति का कोई मूल नहीं होता है, मूल प्रकृति का कोई और मूल नहीं होता। मूले मूला भावात अभावात, अभाव होने से मूल कैसा है, अमूलम मूलम, ये जो मूल है ये अमूल है, इसका मूल नहीं है कोई, इसका कारण नहीं है। मूल शब्द की जगह कारण ले लीजिए, मूल कारण, मूल कारण के, मूल कारण का अभाव होने से मूल कारण अमूल होता है। जैसे पेड़ की तना तने की जड़ होती है, अब जड़ की जड़ नहीं कहते, वो जड़ बस अंतिम आ गई है, तो प्रकृति का और कोई मूल नहीं है, वो स्वयं तो मूल है औरों का, लेकिन उसका कोई मूल नहीं है, इसलिए वो अमूल है, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, ये निर्णय दिया। अर्थात कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा, और वो इन्होंने मूल प्रकृति को, सत्वर स्तंभ को स्वीकार किया। अब कोई कहने लगे कि नहीं हम तो मानेंगे किसी और को भी, यही क्यों, हम तो इससे पीछे मानेंगे। अच्छा चलो पीछे जाओ, तो कितना पीछे जाओगे, कहां जाओगे, इसका कारण और फिर उसका कारण फिर कोई और फिर उसका कारण फिर कोई और, कहां तक जाओगे, या तो अनवस्था दोष आएगा, कहीं रुके, रुक तो रहे नहीं है, अनवस्था दोष आएगा। और कोई कहे कि नहीं यहां तो नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा आगे जाकर के रुकेंगे, उसको कहेंगे कि ये मूल है। तो भाई ये जो जिसको आप मूल कह रहे हो वो अमूल है या मूल है, उसका भी कोई मूल है या नहीं है, कहीं तो जाके आप भी रुक गए, भाई इसका तो कोई मूल नहीं होगा। तो अभी ये चर्चा चल रही है, क्या जो सबसे मूल होता है, कोई ऐसा तत्व माने कि जिसका कोई मूल नहीं हो, ऐसा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अथवा सबके लिए कहते रहे यानी ये उससे बनाए, ये उससे बनाए, इसके घटक ये हैं, इसके घटक ये हैं, करते जाएं करते जाएं,
क्या इस तरह से सोचें अथवा कहीं हम सीमा को बनाएं। तो देखिए अगला सूत्र भी इसी विषय में है, 68वां सूत्र। बोलेंगे पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। बोले पारंपर्ये अपि, अगर आप परंपरा और भी पीछे चलाओ, इन्होंने एक परंपरा बताई यहां से यहां यहां और सत्वर स्तंभ तक जाकर के रोक दी, अब उससे भी पीछे कोई परंपरा चला रहा है, इससे पीछे ये, इससे पीछे ये, तो पारंपर्ये अपि, परंपरा करने पर भी एकत्र परिनिष्ठा, एक जगह तो ऐसी आएगी जहां आप रुकोगे, कहीं ना कहीं तो रुकोगे आप, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। अगर चलते जाएंगे तो अनवस्था दोष है, तो कहीं ना कहीं जहां जाकर के रुकेंगे, तो पारंपर्ये अपि, आप परंपरा और पीछे पीछे ले जाओ तो भी परिनिष्ठा, कहीं ना कहीं तो सीमा रुकाव करना ही होगा। और जब आप कहीं भी रुके हो, यहां नहीं तो इससे 10 कदम पीछे, 100 कदम पीछे, 1000, 1 लाख, आप कहीं और कारण का कारण कहीं 1 लाख करोड़ पीछे जाके रुके कि भाई ये अंतिम है, तो ठीक है, उसको भी तो आपको मूल कारण मानना ही होगा। तो आप नाम उसका कुछ दूसरा कह दो, लेकिन जो भी कारण होगा मूल कारण, वो तो अमूल ही होगा, कहीं ना कहीं तो आपको मूले मूला भावात अमूलम अलमूलम अमूलम मूलम मानना ही पड़ेगा। आज के वैज्ञानिक भी इस परिकल्पना को नहीं करते कि उसका भी और टुकड़ा, उसका भी और, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और हम खोजते जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते। वो भी परिकल्पना, उनकी भी परिकल्पना है कि कहीं ना कहीं कोई मूल कारण तो है, आदि कारण तो है। कि गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन की खोज जो कर रहे हैं उसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि मूल तो कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं तो प्रारंभ है, ये तो पक्का मान करके चल रहे हैं। वो कौन है मूल, ये एक अलग बात है, वो खोज चलती रहेगी, लेकिन कोई ना कोई तो मूल में होगा, ये उनको बिल्कुल पक्का है। ना यही बात यहां पर कही जा रही है दर्शन में, मूले मूला भावात अमूलम मूलम और पारंपर्ये अपि परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। आप और कुछ कर लो, संज्ञा भेद होगा, लेकिन कोई तो मूल होगा जो अमूली होगा, उसका कोई कारण नहीं होगा, वो अविभाज्य कण होगा, उसके टुकड़े नहीं हो सकेंगे। जिसके टुकड़े हो सकते हैं वो मूल नहीं होगा, क्योंकि जो उसके घटक होंगे, जिनको जो उसको तोड़ने पे जो बने हैं, वो उससे मूल होंगे, और जो मूल होगा सबसे अंतिम वाला, उसके टुकड़े कभी नहीं होंगे, वो अविभाज्य कण होगा, अंतिम कण होगा, उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, और इसीलिए वो नित्य भी होगा। और जिसके टुकड़े हो सकते हैं, इसका मतलब है उसका नाश हुआ है, इसका मतलब है वो नित्य नहीं है, और जिसका टुकड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वो कभी बना भी था, जिन अवयवों से मिलके वो बना था। अब जब हम टुकड़े कर रहे हैं तो वही तो अलग होते हैं, वो कभी ना कभी बना भी था। जो सावयव है, जिसके अवयव हैं, घटक हैं, कण हैं, वो कभी ना कभी बना है और कभी ना कभी समाप्त भी होगा, और वो नित्य कभी नहीं होगा, अनित्य रहेगा, कितना भी दीर्घस्थायी हो लेकिन नष्ट होने वाला होगा। और मूल कण अविभाज्य होगा, निरवयव होगा, किसी से मिलके नहीं बना होगा, और वो नित्य ही होगा, उसका कोई कारण नहीं होगा। नित्य कहते ही उसको है जिसका कोई उपादान कारण ना हो, जिसका कोई उपादान कारण है या निमित्त कारण है वो नित्य नहीं हो सकता है। जो कारणों से रहित है उसी को नित्य कहते हैं, इसीलिए सत्वरस्तम जो ये प्रकृति है ये नित्य है, अनादि है, अनंत है। तो पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। आगे देखिए 69वां सूत्र। पीछे संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य ये जो बात आई थी 66वां सूत्र, कहा कि जो संघत होता है वो पुरुष के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है, तो आत्माओं के लिए मतलब तो सब आत्माओं के लिए होता है या कुछ आत्माओं के लिए होता है, सब आत्माओं के लिए होता है। तो ये जो संघत है ये आत्मा के लिए, पुरुष के लिए है, और इस संघत के कारण, इस प्रकृति के कारण ही तो बंधन हो रहा है आत्मा का, इसी में तो बंधता है। अविवेक मूल कारण है लेकिन बंधता तो प्रकृति से ही है,
तो प्रकृति जब पुरुष के लिए है, तो प्रकृति जब तक पुरुष को बांधेगी नहीं तब तक उसका लाभ देगी क्या उसको? उसको तो बांधेगी वो। और प्रकृति जब बांधेगी तो सब पुरुषों को बांधेगी या कुछ ही पुरुषों को बांधेगी? कुछ ही आत्माओं को बांधेगी? सबको बांधेगी। तो बोले सबको बांधेगी तो एक दोष आएगा, पूर्व पक्षी एक दोष कह रहा है, वही कह रहा है कि सबको बांधेगी, जो आप भी कह रहे हैं सबको बांधेगी वही पूर्व पक्षी कह रहा है। देखिए 69वां सूत्र, समानः प्रकृतेः द्वयोः। प्रकृति से द्वयोः दोनों का बंधन तो समान होगा फिर। दोनों कौन? एक तो जीवन मुक्त जो मुक्ति में जाने वाला है वो भी तो आत्मा है, और बाकी बद्ध लोग हैं। तो प्रकृति तो दोनों का समान ही उपकार करेगी या पक्षपात करेगी? समान उपकार करेगी, पुरुष के लिए है तो सबके लिए, सब आत्माओं के लिए है। तो फिर तो जीवन मुक्त की मुक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जो संगत है प्रकृति है वो तो परार्थ है पुरुष के लिए, तो उस जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी होगी, तो उसके लिए है तो उसको छोड़ेगी नहीं, तो मुक्त नहीं होगा। तो वो तो चाहे बद्ध हो चाहे जीवन मुक्त हो, मुक्त का मतलब जीवन मुक्त, दोनों के लिए वो समान ही बंधन देगी, समान ही उसके लिए प्रयोजन सिद्ध करेगी। तो फिर तो बराबर की बात हो गई। तो संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, जो आपने कहा उसको मानेंगे फिर तो किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, ये उसका आक्षेप था। समानः प्रकृतेर द्वयो, तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे अगले सूत्र में 70वां सूत्र। बोलिए, अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः। इसमें ये नियम नहीं है कि प्रकृति सब पुरुषों को समान रूप से बांध के ही रखेगी, या तो सबको छोड़ेगी या सबको बांध के रखेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम मतलब बस यही, और कुछ नहीं, वहां व्यवस्था है, भेद है। क्या? अधिकारी त्रैविध्यात्, अधिकारी के तीन प्रकार का होने से। अधिकारी मतलब योग्यता, भिन्न भिन्न योग्यता वाले अलग अलग होते हैं, तो उसको तीन भाग किया इन्होंने। तो तीन में एक किया उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक निम्न अधिकारी। हैं सब पुरुष यानी आत्माएं, लेकिन उनका उनकी योग्यता अलग अलग है। तो जो उत्तम अधिकारी हैं यानी जीवन मुक्त हैं, उनको ये प्रकृति बंधन नहीं देती है, ये विषय आगे भी आएगा, वो इसको छोड़ देती है, अब उसको बांधती नहीं है। जो मध्यम अधिकारी हैं उनको जन्म देती रहती है कुछ, वो भी साधना में लगे हुए हैं, वो मध्यम अधिकारी हैं। और जो निम्न अधिकारी हैं उनको तो बहुत लंबे समय तक जन्म देती रहेगी, परार्थ करती रहेगी, उनका उपकार करती रहेगी, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म। तो सबको समान ही जन्म दे ये प्रकृति, समान देर तक बंधन में रखे ऐसा नहीं है। अधिकारी के भेद से ये अलग अलग समय तक आत्मा को बांध के रखती है। अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः, सबको समान नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रकृति का मुफ्त में उपयोग कब तक ले। प्रकृति हमारे लिए है संघत परार्थत्वात्, वो हमारे लिए भोग प्रदान कर रही है, जब तक हमें उसमें आनंद आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, लेते रहेंगे, मुफ्त का खाते रहेंगे। जिस दिन लगेगा कि नहीं ये मुफ्त का नहीं खाना है, ये प्रकृति परार्थ है लेकिन नहीं, ये मेरा प्रयोजन पूरा नहीं करती, तो प्रकृति वहीं से दूर हट जाएगी। तो अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः। यहां तक किसी को पूछना है? कुछ आचार्य जी, जो अनावस्था दोष बताया वो क्या सिर्फ कारण और कार्य में ही लगता है या हम सृष्टि के प्रसंग में भी उसको लगा सकते हैं? जैसे सृष्टि प्रवाह से अनादि है तो उसका भी कुछ ना कुछ शुरुआत तो माननी पड़ेगी। उसकी कोई शुरुआत हो नहीं सकती। तो अनावस्था दोष क्या है, मतलब उसको? कारण कार्य में अनावस्था दोष आता है, वहां अनावस्था दोष नहीं, क्योंकि वहां अगर सृष्टि का प्रारंभ कभी मानेंगे तो वहां अलग दोष आएंगे, वहां प्रश्न करेंगे भाई वहीं क्यों शुरू की सृष्टि, उसी बार क्यों की, अब तक क्यों नहीं की थी, और कभी शुरू की है तो फिर समाप्त भी हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, आत्माओं का प्रकृति का क्या होगा, वहां बहुत बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे।
तो चूंकि ये तीनों तत्व अनादि हैं, इसलिए आत्मा का हित सदा परमात्मा करता रहेगा, सदा से कर रहा है, आगे करेगा। प्रकृति उसके लिए सृष्टि को बनाती रहेगी, ईश्वर बनाता रहेगा उसको, ये सदा से चलता रहेगा, वहां अनावस्था दोष नहीं आता है। कुछ और कोई है आगे? पहले से हाथ खड़ा करें तो वहां माइक पहुंचेगा दूसरा। ये 69 वाला सूत्र फिर से बता दीजिएगा, और इसमें ये वादी प्रतिवादी से क्या मतलब है और किस चीज का स्पष्टीकरण है? सूत्रार्थ देखिए, प्रकृतेः द्वयोः समानः, प्रकृति से द्वयोः दोनों का समानः, समान क्षेम होगा। प्रकृति से, प्रकृति है परार्थ, दूसरों के लिए, कार्य जगत दूसरों के लिए है, तो दूसरों के लिए क्या करती है प्रकृति? तो शरीर आदि देती है, साधन देती है, ये बंधन देती है एक तरह से, तो ये तो दोनों के लिए समान होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। क्योंकि वो जानता है कि सिद्धांत ये मानता है कि कुछ तो बद्धात्मा है जो बंधन में चलती रहती हैं, और कुछ जीवन मुक्त है जो मुक्ति में चली जाएंगी। तो यदि प्रकृति पुरुष के लिए है तो सबके लिए समान होनी चाहिए, एक बस उसके मन में प्रश्न आया। तो फिर तो समान हो जाएंगे, और समान होंगे तो समानता का परिणाम क्या निकलेगा कि जीवन मुक्त भी मुक्ति में नहीं जा पाएगा। ये एक उसने दोष बताया, तो उसका समाधान किया कि प्रकृति यद्यपि पुरुष के लिए है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकृति हमेशा पुरुष को बांध के ही रखेगी और उसी के लिए करती रहेगी। प्रकृति उस पुरुष के लिए करेगी जो चाहता है प्रकृति की सेवा को, जब प्रकृति का उपयोग करना चाहता है उसी के लिए वो देती है। आगे कई जगह ये प्रसंग आएगा सांख्य में कि कैसे प्रकृति अलग हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसको उदाहरण देके आगे बताएंगे। माइक में बोलिए। 63वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है जी। पूर्व पक्षी का है और उत्तर 70वें, या तो प्रश्नकर्ता का है, शिष्य का है, ये उत्तर गुरु ने उत्तर दे दिया, कैसे भी समझ लीजिए।